बहुत से हमें मैसेज मिल रहे थे कि सन्नी भाई मेरे फार्म पर जो हीट स्ट्रोक है वो बहुत हो रहा है, गर्मी की वजह से बहुत से जो बर्ड है वो मर रहे हैं। आप इस पर एक वीडियो बनाकर बताएं कि कैसे हम अपने बर्ड्स को थोड़ा गर्मी से राहत दिला सकते हैं, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक होता है किसान भाई मोस्टली तभी रहता है जब हमारा बर्ड तैयार हो रहा होता है। तो तैयार बर्ड जब मरता है तो जाहिर सी बात है कि दुख सभी को लगता ही लगता है। गर्मी में बेशक जो रेट है थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन ये अच्छा रेट लेने के लिए हमें अपने बर्ड को काफ़ी मेहनत मशक्क़त से पालना पड़ता है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हीट स्ट्रोक ही रहती है। कोई कह रहा था कि सन्नी भाई मेरे फार्म पर 2% डेली जो है हीट स्ट्रोक की वजह से मोर्टैलिटी हो रही थी, कोई 3% कह रहा था, कोई 5% डेली मोर्टैलिटी रेट मुझे अपने फार्म का बता रहा था। गर्मी इस कदर पड़ रही है कि पंखे वगैरह सभी गर्मी ने फेल कर दिए, हमारा बर्ड पंखों के आगे बैठा बैठा हुआ ही मर रहा है। तो ऐसे हालात में आपने क्या करना है कि पंखे की जो संख्या है एक तो थोड़ी वो आप बढ़ाने की कोशिश करें। एक किसान भाई इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इस समय जो पावर कट है कि बिजली है वो भी बहुत समय के लिए गुल ही रहती है। इसके साथ साथ जो गन्नी कटर रहते हैं कि साइड के जो पर्दे रहते हैं वो पानी से भिगोकर आपने चलाने ही रहते होते हैं। गर्मी से राहत दिलाने के लिए फीड 10 बजे के बाद इनको मत दीजिएगा। इस हिसाब से अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है शाम के 6 बजे के बाद फीडर डाउन कर दीजिएगा। बात करूँ यदि मैं पानी की, पानी में इनको इलेक्ट्रोलाइट जो ग्लूकोज वगैरह रहता है वो आपको चलाना ही चाहिए दोपहर के समय। इसके अलावा दिन के समय आपने कोई भी इनको मल्टी विटामिन ग्रोथ प्रमोटर नहीं चलाना है। यदि आपने कोई मल्टी विटामिन या ग्रोथ प्रमोटर लिवर टोनिक वगैरह चलाना है तो रात के समय इनको दे सकते हैं, जहाँ सुबह 7 बजे से पहले जिस कदर जो अब गर्मी पड़ रही है वो आप 7 बजे से पहले दे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है आपके बर्ड्स के लिए। यदि आपके फार्म पर फोगर नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो किसान भाइयों स्प्रे पंप से अपने बर्ड पर हल्का हल्का स्प्रे का छिड़काव करना है। ज़्यादा ये आपने रखना है कि यदि आप जो फोगर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो स्प्रे से अपने बर्ड पर स्प्रे कर रहे हैं तो बर्ड को ज़्यादा गीला मत होने दे, क्योंकि यदि बर्ड थोड़ा गर्म सर्द हो जाता है तो अगले दिन से बर्ड में जो चिक चिक है साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपकी एक और दिक्कत बन सकता है। तो कई बार क्या रहता है कि किसान भाइयों सुबह के समय ही इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है कि हम सोचते हैं कि पूरा दिन कैसे निकलेगा, दोपहर हमारी कैसे निकलेगी, शाम हमारी कैसे निकलेगी। तो ऐसे हालात में क्या करना है कि जब आपको लगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बर्ड में हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो दोपहर के पानी में आपने क्या देना है कि जो पैरासीटामोल जो हम बुखार के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है 500 mg की जो रहती है, वो आपने एक टैबलेट 60 kg बॉडी वेट के पीछे अपने बर्ड को दोपहर के पानी में 5 से लेकर 6 घंटे के लिए चलानी होती है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, पैरासीटामोल 500 mg जो टैबलेट रहती है वो आपने 60 kg बॉडी वेट के पीछे एक टैबलेट एक गोली चलानी है। मान लो आज यदि आपके बर्ड का टोटल वेट 6 क्विंटल है तो आपने 10 गोलियां अपने बर्ड को दोपहर के पानी में ये चला देनी है। इससे क्या होगा कि बर्ड में जो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है दोपहर के समय वो ये जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो पाएगा, अच्छे से बर्ड में बुखार वगैरह भी नहीं आएगा और हीट स्ट्रोक आने का खतरा आपके बर्ड में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो पैरासीटामोल आपको बताई जो डेली आपने यूज़ नहीं करनी जब आपको लगे कि जो हालात है वो ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ऐसे हालात में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों मैं बात कर लूँ यदि देसी नुस्खे की, देसी इलाज की, तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए हीट स्ट्रोक आपके बर्ड में ना आए तो इसके लिए किसान भाइयों एक रहता है गूंद कतीरा रहता है, वो आप अपने ब्रॉयलर्स को दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कच्ची लस्सी है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इमली का पानी हो गया। तो ये कुछ ऐसे देसी नुस्खे हैं जो कि पोल्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपरली मैं हरेक टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं कि गूंद कतीरा कैसे ब्रॉयलर्स को देना है, जो कच्ची लस्सी कैसे देनी है, इमली का पानी कैसे देना है, तो यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं ये जो वीडियो लेकर भी आप सभी किसान भाइयों के बीच पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि निःशुल्क है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना। जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, चाहे फेसबुक के हो, व्हाट्सएप के ग्रुप हो, उसमें ये वो वीडियो जो है वो शेयर जरूर किया करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।